हम कैसे उनको डे शिफ्ट के लिए अप्रोच कर सकते कि भाई मुझे सर मुझे डे शिफ्ट ही चाहिए, मुझे नाइट शिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे जॉब जो करनी है वो डे शिफ्ट के रिगार्डिंग ही करनी है, नाइट शिफ्ट में मुझे जॉब नहीं करना। जिसमें आप रूम के बारे में बताओ कि रूम सही है नहीं है, कैसे मिलेगा, कैसे हम खोज सकते हैं, दूर हम जैसे बिहार में हैं और यहाँ के रूम के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। तभी सुबह उठ के जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह बना हुआ, मेरा विकास बना के चले गया था, और मैं मेरा काम है कि जल्दी से फ्रेश वगैरह हो जाना, नहाना, और नहा के फिर ऑफिस के लिए निकलना है। तो ऑफिस के लिए भी निकलेंगे और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलो जल्दी से मैं पहले ब्रश कर लेता हूँ और नहा लेता हूँ। तो अभी नहा के मैं ऊपर आ गया हूँ, हाथ पैर धो लिए, नहा लिया और उस अभी ऑफिस के लिए निकलूंगा, लेकिन मेरे पास अभी आधा घंटे का टाइम होता है और नीचे अभी लाइन कट गई, इसलिए मैंने बोला चलो थोड़ा सा छत पे धूप खा लेते हैं, पौधों में पानी भी डाल दूंगा और दो क्वेश्चन के जवाब देने थे, वो आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब भी दे दूंगा। तो सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारे 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए इस चैनल पे, और इसके लिए दिल से बहुत बड़ा थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया और इस तरीके से प्यार दिखा रहे हैं आप अपना। तो दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो एक मैंने बोला था कि 800 के जब सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे 800, तो मैं एक वीडियो निकालूंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि रूम कैसे मिलेगा नोएडा में। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक भाई डोरा टेक करके उनकी आईडी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो मुझसे पूछ रहे थे भाई नोएडा में मैं ऑनलाइन अगर रूम देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, 7,000-8,000 रुपये करके दिखा रहा है और रूम भी सही है नहीं है वो कुछ पता नहीं चल रहा उसके रिगार्डिंग में। तो आप एक उस पर प्रॉपर वीडियो डिटेल में बनाओ जिसमें आप रूम के बारे में बताओ कि रूम सही है नहीं है, कैसे मिलेगा, कैसे हम खोज सकते हैं, दूर हम जैसे बिहार में हैं और यहाँ के रूम के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग प्रॉपर वीडियो आ रही है, एक पूरी प्रॉपर डिटेल, कम से कम 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी जो कि प्रॉपर पूरी डिटेल के साथ आएगी A to Z। मैं जाऊँगा, रूम देखूँगा, दिखाऊँगा, आऊँगा, बताऊँगा कैसे आप लोग उसको देख सकते हो, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आधी वीडियो मैंने इस संडे को शूट कर लिया है जाके, और जो भी आधी चीज़ें होती हैं बस अब बैठ के मुझे समझाने वाला जो वीडियो होता है वो शूट करना है। अभी तो मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, एक दो दिन बाद जैसे मेरे को टाइम मिल जाएगा मैं शूट करूँगा, और हो सके तो नेक्स्ट संडे तक, हो सके मान रहा हूँ अगर मैं शूट कर लूँ तो फिर मैं डाल दूंगा उस वीडियो को, लेकिन जल्दी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो, वो उसमें अच्छा खासा आपको सीखने को मिलेगा और जो भी रूम की टेंशन होती है वो आपकी पूरे तरीके से दूर हो जाएगी। जॉब की टेंशन तो दूर है, जॉब के लिए मैंने कंपनीज बता दी है, रूम की जो भी टेंशन है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसको दूर करवा दूंगा। और बहुत सारे लोगों भाई को ऐसा लगता है कि मैंने पीजी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि पीजी वाले से मेरा कोई कमीशन बेस्ड होता है, उनको ऐसा लगता है। बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि भाई आप खुद पीजी दिलवा दो, मुझे ये पीजी दिलवा दो, आपको अगर पैसे चाहिए तो पैसे रख लो। तो भाई ऐसा नहीं है, आप भी मेरे भाई हो और मैं भी वो बैचलर वाली स्थिति से अभी जूझ रहा हूँ, जो प्रॉब्लम यहाँ पे रूम की आती है कि रूम नहीं मिल पाता है, वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता है। तो ऐसा मत समझो कि नहीं भाई आप पीजी दिलवा दो, मुझे आपके साथ पीजी का कनेक्शन होता नहीं, ऐसा मैं यहाँ पे किसी को नहीं डालता, जानता हूँ। जो एक दोस्त मेरे पीजी में रहते हैं मैं उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पे आते हैं पीजी में अगर रूम लेते हैं तो उनके साथ मैं बात करता हूँ, और उनकी जो सिचुएशन होती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि यहाँ उनको पीजी में ऐसे ऐसे रूम मिला हुआ है। तो ये बात है, आप ऐसा मत समझो कि मेरा कमीशन इसमें से दिला रहा हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। और एक भाई का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था मेरे को, वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई जैसे VPO जॉब में क्या होता है कि नाइट शिफ्ट दी जाती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि नाइट शिफ्ट ही पूछते जाता, लड़कों में ये प्रॉब्लम आती है कि लड़कों को वो नाइट शिफ्ट देते हैं और लड़कियों को ज़्यादा डे शिफ्ट देते हैं ताकि लड़कियों को कोई परेशानी ना हो। तो हम कैसे उनको डे शिफ्ट के लिए अप्रोच कर सकते कि भाई मुझे सर मुझे डे शिफ्ट ही चाहिए, मुझे नाइट शिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे जॉब जो करनी है वो डे शिफ्ट के रिगार्डिंग ही करनी है, नाइट शिफ्ट में मुझे जॉब नहीं करना। तो सबसे पहली बात, इंटरव्यू में कभी भी आप ऐसा मत बोलना कि नहीं सर मुझे सिर्फ डे शिफ्ट में काम करनी है, नाइट शिफ्ट के लिए मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल। तुरंत ही जॉब से डिस्क्वालीफाई कर देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि उनको चाहिए कि वो हर एक बंदा उनको बोले कि हाँ यस सर मैं नाइट शिफ्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ, कोई नहीं दिक्कत मैं सह लूंगा। लेकिन वहाँ पे यस बोल दो किसी भी तरीके से, उनको यस बोलने के बाद स्टार्टिंग के कुछ दिन तक अगर आप वो नाइट शिफ्ट देते, एक दो महीने तक देते हैं, तो आपको वो मैनेज करना ही पड़ेगा क्योंकि वो रूल है हर किसी के लिए, कोई भी बहुत सारे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि देखो 100 BPOs होती है, 100 में से कहीं से 10 BPOs ऐसी होती है, मैंने खुद पर्सनली ऐसे नोएडा गाजियाबाद में कई ऐसे BPOs को जानता हूँ जो कि डे शिफ्ट में ही जॉब करवाते हैं, नाइट शिफ्ट में नहीं करवाते, क्योंकि हमारे इंडिया का जो कल्चर होता है, या जो भी कल्चर नहीं बोलेंगे, इंडिया के जो पीपल होते हैं हम ज़्यादातर नाइट में, जो इंडिया में अगर जो डोमेस्टिक कॉल सेंटर होते हैं जो कि सिर्फ इंडिया में ही अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, वो नाइट शिफ्ट कभी नहीं रखते, नाइट शिफ्ट तभी रखते हैं जब बाहर के क्लाइंट हमें कॉल करेंगे,
ठीक है। तो इस वजह से ज्यादातर ये होता है, आप ऐसे अगर डे शिफ्ट में आप कंफर्टेबल हो तो डे शिफ्ट वाले कॉल सेंटर को खोजो जो कि सिर्फ डे में ही काम करवाते हैं, नाइट में बहुत कम करवाते हैं। और अगर आप ऐसे जैसे टेक महिंद्रा में काम करो तो डे और नाइट दोनों ही शिफ्ट चलती है। तो कुछ दिन करने के बाद जब आपका वहां पे बिल्ड बन जाएगा, जब वहां पे कनेक्शन बन जाएगा, तो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो एचआर है, जो टीम लीडर, उससे आप रिक्वेस्ट करो कि भाई मैं यहां से दूर रहता हूं या मैं खुद बैचलर रहता हूं, मैं ऐसे ऐसे दिक्कतें आती है, तो क्या आप मुझे नाइट शिफ्ट की जगह डे शिफ्ट में ही अलॉट करोगे। हो सके कुछ परसेंट चांस, 20% चांस आप लेके चल सकते हो कि हाँ वो आपकी बात सुने या आपके साथ अगर अच्छा कनेक्शन बन गया तो वो आपको डे शिफ्ट में ही रहने दे। लेकिन कुछ दिनों तक अगर वो आपको डे और नाइट करवाता है तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है उनका, उनको करवाना ही पड़ता है। उसके लिए आपको थोड़ा कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उनके साथ दोस्ती बनानी पड़ेगी, उसके बाद जाके वो सिर्फ आपको डे शिफ्ट में देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं नाइट शिफ्ट में नहीं कर पाऊंगा, कोई भी जॉब नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए आप ऐसे बीपीओ ढूंढो, बहुत सारे बीपीओ हैं, 10-15 है, एक दो के नाम भी मैं बता दूंगा अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो जाओ, यहाँ ऊपर मैं देख रहा हूँ आईडी है, तो उसके बाद मैं डे शिफ्ट में बता दूंगा और आप खुद से भी पता कर लो कि जब इंटरव्यू देने जाते हो या एक दो इंटरव्यू में, जब इंटरव्यू जहाँ भी देने जा रहे हो, जैसे मान लो कि एक भारत बीपीओ करके वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहाँ पे जो भी लड़के काम करके बाहर निकलते हैं उनसे बात कर लो भैया डे शिफ्ट में काम होता है, नाइट शिफ्ट में काम होता है, कि डे की जगह मुझे सिर्फ नाइट में मिलेगा या नाइट की जगह सिर्फ डे में मिल जाएगा, बात कर लो, वो जैसा भी बता दे, उसके बाद इंटरव्यू देने जाओ। इंटरव्यू में जो भी एचआर होता है उनसे सारा कुछ इंटरव्यू में क्लियर होने के बाद आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे डे शिफ्ट में काम होता है नाइट में होता है, वो सारी चीज़ क्लियर कर देंगे आपको। लेकिन उनको हाँ बोलना, आप ये मत बोलना कि नहीं नहीं मुझे नाइट में नहीं करना है, वैसे बोलोगे तो समझ लो कि वो फायर कर देगा उसको, क्योंकि नाइट शिफ्ट के लिए बंदे और डे शिफ्ट के लिए रोटेशनल शिफ्ट होती रहती, जब आपकी नाइट होगी तो किसी की डे होगी, किसी की डे होगी तो आपकी नाइट होगी, तो ये भी प्रॉब्लम था। इसका सोल्यूशन मैंने बताया, आप वैसे बीपीओ को जो सिर्फ डे में काम करते हो, नहीं तो कुछ दिनों तक रोटेशनल में करो, उसके बाद आप अपने एचआर या अपने टीम लीडर से कॉन्टैक्ट करके चेंज करवा सकते हो। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, विकास से ब्रेकफास्ट बना के गया है, रोटी है और ये शिमला मिर्च आलू और ये क्या बोलते हैं इसको गाजर की सब्जी बना के विकास गया है। तो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, विकास सब्जी बहुत अच्छी बनाता है, मतलब मेरे से कम 20-30 गुना बेहतर ही बनाता है। मैं थोड़ा ज़्यादा पानी कर देता हूँ, लेकिन सूखी सब्जी में विकास का जवाब नहीं है, टमाटर गाजर सारी चीज़ें डाल के मस्त सब्जी बनाता है, मेरे को भी अच्छा लगता है उसके हाथ का सब्जी, किसी दिन सबको खिलाऊंगा। तो लंच वगैरह कर लिया मैंने, अब 3 बज रहे, 3:30 हो रहे, तो आधा घंटा का थोड़ा ब्रेक है, थोड़ा आसपास में टहल लेते हैं, और टहलने के बाद फिर मैं जाऊंगा ऑफिस। और पीछे देख रहे हो सोसाइटी नहीं दिख रही, तो खाना पीना खा के मैं छत पे आ गया हूँ। अब कम से कम 15 से 20 मिनट यहाँ पे मैं टहल लेता हूँ, टहल के और यहीं पे बैठता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये देख के मेरे को जो सुकून मिलता है ना, ये जो आपको दिख रहा लोकेशन, ये इतना ज़्यादा सुकून मिलता है इसको देख के कि हाँ कम से कम थोड़ी ठंडक मिले लाइफ में। ब्लर मत हो मेरे भाई। हाँ, और ये रहा कुछ अपना ऑफिस का नज़ारा, दूर जो बिल्डिंग दिख रहा है। थोड़ा 10 मिनट बैठता हूँ, बैठने के बाद फिर नीचे चलेंगे और सोएंगे।